यद्वैष्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मानस यज्ञ में उस विराट पुरुष के द्वारा स्वयं का उत्सर्ग करने से उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र ने जन्म लिया। सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्ताग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, उसकी आंखों से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसकी सांसों से वायु ने जन्म लिया। अंतरिक्षम शेषोद्यौ समवर्तत अभ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम अकल्पयन्। आचार्य, क्या आपको पूरे भारतवर्ष में चंद्रगुप्त से श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिला जो मगध के सिंहासन का अधिकारी हो? नहीं आचार्य, जिसने भारतवर्ष को आत्महीनता, पराजय की निराशा और यूनानी शासन की दास्ता से मुक्त कराया हो, क्या उससे भी श्रेष्ठ नायक मगध में कोई है? शूद्र कब से श्रेष्ठ हो गया आचार्य, जिसका स्थान चरणों में हो? ये राष्ट्र आप जैसे विद्वानों को कभी क्षमा नहीं करेगा जो वेदवाणी का गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो आप सही अर्थ बता दीजिए उस मंत्र का जो हमारी वर्ण व्यवस्था का आधार है। कब कहा है पुरुष सूक्त ने कि विराट पुरुष के मुख से बना ब्राह्मण, भुजाओं से बना क्षत्रिय, जांघों से बना वैश्य, पैरों से बने शूद्र से श्रेष्ठ है? वेद वांग्मय में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आत्म तत्व की कल्पना आदि पुरुष यानी विराट पुरुष के रूप में हुई, जिसमें मुख को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय, जांघों को वैश्य और चरणों को शूद्र कहा गया। इसीलिए उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को हीन माना गया, जबकि वास्तव में वेदों का ये अभिप्राय नहीं था। वही पुरुष सूक्त ये भी कहता है कि ये पृथ्वी भी शूद्र है, क्योंकि उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, मस्तक से जूलोक और चरणों से पृथ्वी। ये पृथ्वी हमें धारण करती है, हमारा पालन करती है, इसलिए ये शूद्र है। ये पृथ्वी हमें जल देती है, फल देती है, अन्न देती है, इसलिए ये पृथ्वी शूद्र है। आचार्य, शूद्र तो उसके चरण है जिसकी आंखें सूर्य है, जिसका मन चंद्रमा है और वायु जिसकी सांसें हैं। ऐसे ब्रह्मांड को धारण करने वाला शूद्र है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। शास्त्रों में त्रिगुण यानी सत्व, रजो और तमो नाम की मन स्थितियों या मनोदशा को वर्ण यानी रंगों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। इसलिए सत्व को सफेद, रजस को लाल और तमस को कृष्ण यानी काले रंग से अभिव्यक्त किया जाता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कभी जंगली पशुओं से और कभी दूसरे समूहों के आक्रमण से लड़ रहा था, ऐसी व्यवस्था में जो सत्व गुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का जिम्मा उठाया, वे ब्राह्मण कहलाए। जो रजोगुण प्रधान थे योद्धा थे, वीर थे, युद्ध में कुशल और निर्भीक थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई, वे क्षत्रिय कहलाए। जो रजो और तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के पालन पोषण, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी ली, वे वैश्य कहलाए। और जो तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने अपने समाज,
अपने समुदाय की सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वे शूद्र कहलाए। वर्ण की इस व्यवस्था का अपने प्राचीन रूप में जन से कोई संबंध नहीं था। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। और इसकी घोषणा मैं नहीं, वेद और ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं और समस्त ऋषि उसका समर्थन करते हैं। ये कब कहा था याज्ञवल्क्य ने आचार्य विष्णुगुप्त? मैं तो राजनीति पढ़ाता हूँ आचार्य, वेदांत तो आप पढ़ाते हैं। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक को सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य ने? देवाचार्य कोहल ने प्रश्न किया था। क्या था वह प्रश्न? वह प्रश्न था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद मनुष्य क्या बनता है और वह कैसे आचरण करता है। आचार्य, याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है और उसे जान लेने के बाद जो भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु से परे ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और संसार की कामना से मुक्त हो भिक्षा पर निर्वाह करता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। कुछ लोग तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण होता है। और मैं कहता हूं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं है, वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास है। क्या याज्ञवल्क्य के शब्दों में जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध छिपी चुनौती नहीं थी? क्या नहीं कह रहा है वेद का ऋषि कि मैं गायक हूं, मेरे पिता वैद्य? कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणी नना नानाधियो वसुयवो अनु गाइव तस्थिमेन्द्रायन्दो परिस्रव। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोग, ये देव, ये भूत, ये सर्व, ये आत्मा ही तो है। आचार्य, क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं, तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसा? मैं उस व्यवस्था के खिलाफ जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर रहे, हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि वही पुरुषार्थ है। और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। यदि भार्गव राम परशुराम परशु उठा सकते हैं और 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर सकते हैं तो चंद्रगुप्त भी राजधन धारण कर सकता है। यदि विश्वरथ विश्वामित्र ब्राह्मण बन सकते हैं तो चंद्रगुप्त भी क्षत्रिय बन सकता है। यदि लोमहर्षण सूत व्यास पद पा सकते तो कर्ण को भी शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। आचार्य, मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है और उन संभावनाओं के द्वार खोलना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ब्राह्मण वो है जो सात्विक गुण प्रधान है। शमो दमस तपस शौचम शांतिरार जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन शरीर और इंद्रियों को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय वो है जो रजोगुण प्रधान है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। शूर वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना तथा दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य वो है जो रजो और तमो गुण प्रधान है और शूद्र वो है जो तमो गुण प्रधान है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। भगवान महावीर ने भी वर्ण व्यवस्था का यही स्वरूप कहा है, कमुणा बम्मणो होई कमुणा होई खत्तियो वैसो कमुणा होई सुद्धो हवई कमुणा। मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। भगवान बुद्ध ने भी इसी का समर्थन किया है, न जच्चा ब्राह्मणो होती न जच्चा होती अब्राह्मणो कम्मुना होती ब्राह्मणो पेप्पिको होती कम्मुना। कस्को कम्मुना होती सिप्पिको होती कम्मुना वणिजो कम्मुना होती पेप्पिको होती कम्मुना। न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणो। वर्ण व्यवस्था में कोई महान और कोई हीन नहीं, जैसे मस्तक भुजाओं जांघों और पैरों का एक व्यक्ति के कल्याण के लिए एक साथ काम करना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए सभी वर्णों की समान रूप से आवश्यकता है। जन से हर मनुष्य शूद्र होता है, संस्कार से वह द्विज होता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र होता है और जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण हो जाता है।